السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے، باغبانی میں آپ کا دل لگ رہا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا نیچے کا لان پودے اور دوسری لگانے کے لیے کم پڑ گیا ہے۔ اب ہم نے اپنی توجہ اوپری لان میں ٹیرس گارڈن پر مرکوز کر دی ہے۔ ایک لمبی سی ریز بیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ابھی پودے لگانے کا کام ہم شروع کریں گے۔ فی الحال ہمارے مالی رمضان اس میں گلاب کے پودے لگانے کی سعی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم کچھ ویجیٹیبلز لگائیں گے، کچھ گملے لا کر رکھنے ہیں پودوں کے۔ یہ ہمارے لیے خالصتاً ہمارے لیے، ہماری باغبانی کے لیے، ہماری ویڈیو چینل کے لیے یہ کیاریاں اور یہاں گملے رکھنے کا کام ابھی شروع کیا ہے۔ یہ اس میں ابھی مٹی بھری ہوئی ہے، نئی ہم نے یہ اپنی گارڈن بنانے کی کوشش، ٹیرس گارڈن، اس کو بھی ہم نے پوری طرح اس کا نقشہ نہیں بنایا۔ یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تو فی الحال جو گلاب کے پھول ہیں، یہ گلاب کی یہ پیلا گلاب، اس کو رمضان اس کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کی جو یہ ہمارے ٹیرس گارڈن میں پہلا پودا اپنی جگہ پانے کے لیے پہلا گلاب اس میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ اب سفید گلاب لگا رہے ہیں۔ ٹیرس گارڈن میں
गुलाब लगाने से हमने टेरेस गार्डन का इफ्तिताह किया है। इससे पहले ये पौधे या गुलाब थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, कुछ और पौधे लगेंगे, तो नीचे से खूबसूरत अंदाज में टेरेस गार्डन में नज़र आएंगे। हमारे नीचे नीचे का गार्डन आपकी नज़र से गुजर ही होगा। ये डेलिया के नज़र आ रहे होंगे आपको, इसी चीज़ से ये मेरा ये पौधा भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा पहले, ये आड़ू का पौधा है। इसके आगे ये फ्रूटर है या मौसमी है, इसके बारे में अभी मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये फ्रूटर होना चाहिए। हमने यही कहकर पत्तों की से ख़रीदा था। इसके साथ साथ मनी प्लांट जो है ये भी आपकी नज़र से गुजरा है। इधर ये मेरा एरोकेरिया है, ये पाम भी आपने देखे होंगे, ये मनी प्लांट जो अच्छी तरह फैला हुआ है, ये पाम भी आपने देखे होंगे। ये मेरी गोल गेंदे की वही क्यारी है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि हमने लगाया है। ये जो हमने टमाटर लगाए थे उसमें से हमने एक दो पौधे रख लिए हैं। ये हमारी ये वही हमारा चांदनी का पौधा है। इसके साथ हमने हमारा बोनसाई मेकिंग है, बोनसाई का पौधा जो हमने कलम लगाकर उगाया है, और उसके साथ ही हमने तार में जकड़ दिया है। ये वाइट बहुत कम नजर आता है। ये सफेद के अलावा ये पिंक कलर का पौधा है। ये हमारी एक सफेद गुलाब की बेल चढ़ रही है। ये हमारा
छियालीस साल पुराना मोती का पौधा है। ये इसके नीचे आपको एक और प्लांट नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे पौधे हमने ज़मीन में ही लगा रखे हैं। अब हमारे मेंबर खुददारान का कहना ये है कि इस लॉन को लॉन रहने दें, इसे इसमें बड़े बड़े पौधे मत लगाएं। तो चलिए हम अब आपको जिन पौधों की, जिन परिंदों की चहचहाट नज़र आती है उनसे आपको मुतारिफ करवा देते हैं। ये मेरे परिंदे जो हर वीडियो में चहचहा रहे होते हैं, इनकी आवाज़ें आप सुनते रहते हैं। तो ये हमारी वीडियो तो हमने बनानी शुरू की थी कि हमारा टेरेस गार्डन इनमेकिंग है, लेकिन उसमें हमारे दूसरे पौधों की बातचीत भी शामिल हो गई है। हम फिर किसी वक्त मुख्तलिफ पौधों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, साथ के साथ हम अपने टेरेस गार्डन को तैयार करने की कोशिश करते हैं। आप